जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है संशय आत्मा का विनाश इस संशय आत्मा का विनाश होता है भैया ये संशय आत्मा कौन है इस संशय आत्मा को हम समझने का प्रयास करेंगे तो श्री भगवान इस विषय में जो प्रथम बात कहते हैं जो सबसे पहली बात कहते हैं वो ये कहते हैं सबसे पहली बात कि ज्ञान की नौका से ही आप पार उतरेंगे और ज्ञान होगा ज्ञान होने का मतलब क्या है सत्य को जानेंगे ज्ञान होने का मतलब यह नहीं कि आपने भगवान को मानना शुरू कर दिया या परमात्मा नहीं जो जब आप जानेंगे आगे भगवान ये भी कहते हैं कि हर प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है अर्थात जो जानता है जो सुनी सुनाई पर नहीं मानता है जो जानता है जो एग्जैक्टली exactly प्रोसेस को जानता है जो प्रोसेस को समझता है जब कोई प्रोसेस को समझता है तो फिर उसके लिए वह प्रोसेस या जो भी सिस्टम है उसका ज्ञान इंपॉर्टेंस हो जाता है ना कि किसी विषय को ऐसे ही मान लेना या किसी विषय को वैसे ही विश्वास कर लेना तो जो जान कर मानता है ना कि बिना जाने ही मान लिया करता है किसी चीज को जब ऐसा विषय होता है जब ऐसी बात होती है तो निश्चय ही हम ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान देखो ज्ञान से ही कल्याण होने वाला है ज्ञान ही सबसे पवित्र वस्तु है और आपको पवित्र कर सकती है ज्ञान से बढ़कर दूसरी कोई पवित्र वस्तु नहीं हो सकती है तो भगवान यही बात अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब न ही न सदृशम पवित्रमीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनी विंदती मनुष्य लोक में इह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही न विद्यते स्वयं आत्मनी विंदती अर्थात मनुष्य लोक में ज्ञान के समान इस लोक में इह ज्ञानेन इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह ही कोई दूसरा साधन नहीं है जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है ये समझना जरूरी है स्वयं अपने आप में पा लेता, लेकिन जिसकी तत्व ज्ञान के प्रति क्या है श्रद्धा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय संयत इंद्रिय तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचीरेनाधिगछति यत इंद्रिया जिसका जिसने इंद्रिया का संयम किया है संयत कर लिया है साधन परायण है और साथ ही साथ श्रद्धावान है श्रद्धावान मनुष्य जो इंद्रियों का संयम करता है और साधना में भी लगा हुआ है और श्रद्धावान देखिए श्रद्धा तो तभी आएगी ना जब कुछ होगा किसी क्षेत्र में जब आप प्रयास करेंगे श्रद्धा क्या है श्रद्धा है किसी भी विषय के प्रति जब हमारा सम्मान होता है लेकिन जब वह श्रद्धा अभ्यास से जब हम कोई कार्य करते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं और किसी चीज को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं वह चीज कितनी बड़ी है कितनी महत्वपूर्ण है जैसे कि एक बात मैं आपको बता रहा हूं कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो फौज में भर्ती होना चाहता है या मान लीजिए वो आई बनना चाहता है या मान लीजिए वो आई क्लियर करना चाहता है तो वो उसके लिए पढ़ाई करेगा और जब वो पढ़ाई करेगा और उसका अपना एक टारगेट फिक्स करेगा आईआईटी क्लियर करने का तो वो क्या करेगा आईआईटी क्लियर करके भाई उसको जो भी आईआईटी क्लियर करना तो अब अगर आप उसे उसके विरुद्ध जब बोलेंगे कि भाई नहीं ये आई मत कुछ और कर लो कोई और काम कर लो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसकी श्रद्धा उसके प्रति बन चुकी है क्यों बन चुकी है लोगों से सुनकर और दूसरी बात कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए ये काम बड़ा ही अच्छा काम है तो ये काम मुझे करना चाहिए ये काम बड़ा ही अच्छा काम है और इससे मैं बहुत पैसे कमाऊंगा बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा या आई अधिकारी बन जाऊंगा तो फिर मैं ठीक है हर चीज़ के नेगेटिव पार्ट्स होते हैं यह प्रकृति बड़ी रहस्यमयी है यह प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी है पता नहीं किसके जीवन में कैसे क्या करे नेगेटिविटी हर जगह होती है लेकिन ठीक है उसने गोल सेट किया है और उसे वो करना है और उसके प्रति उसकी श्रद्धा बन जाती है हां प्रकृति के संपूर्ण रहस्य को आदमी जाने तो एक अच्छा है कि वो एक अच्छा जीवन जिएगा बस रहस्य को समझना है कि यह प्रकृति कैसे चल रही है जीवन कैसे चल रहा है जितना बारीकी से समझोगे जितना बारीकी से जानते हो बस जानने की कोशिश करना अपने आप को देखिए एक अच्छा जीवन बनाना एक अच्छा जीवन जीना सिर्फ धन से तो संभव नहीं है दूसरी भी कई चीजें हैं जो संतुलन में होना चाहिए इसलिए जीवन में संतुलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि हमें वास्तव में जीवन जीने की कला या जीवन जीना सीखना का अर्थ क्या है एक संतुलन में जीना कोई भी विषय आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है कोई भी विषय आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है कोई भी कार्य आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है जहाँ पर बहुत ज्यादा किसी कार्य की या किसी ऊर्जा की हम बहुत वृद्धि कर देंगे बिना सोचे समझे तो वो हमारे संतुलन को बिगाड़ भी सकता है और बिगाड़ता भी है जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति बायस होंगे तो वो हो संतुलन को थोड़ा बिगाड़ता भी है फिर तो संतुलन बिगड़ेगा तो जीवन में दुख तो आएगा अशांति तो आएगी फिर तो कुल मिलाकर एक संतुलन को बनाए रखना यह बहुत जरूरी है कि हम संतुलन को बनाए रखें तो संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है तो संतुलन बनेगा तभी जीवन सुखी होगा जीवन शांत होगा ये हमें पहले तो एक छोटी सी बात है जो मैं बोलता रहता हूं आज भी बोल रहा हूं तो किसी के प्रति श्रद्धा होने का मतलब क्या है कि जब हम किसी विषय के प्रति जब हमारी श्रद्धा होती है तो हम उसमें मेहनत करते हैं उस पर काम करते हैं हमारी आई करने के प्रति श्रद्धा है आई के पोस्ट के प्रति या उसके डिग्री या सर्टिफिकेट के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हम उसके लिए काम करते हैं हम उसके लिए वर्क करते हैं पूरी मेहनत से हम काम करते हैं ये होती है बात तो हम उसका लाभ उठाते हैं फिर ना भी हुआ तो कम से कम जो ज्ञान अर्जित किया उसका तो लाभ होगा मतलब कि जो नॉलेज हमने गेन किया आई uh, आई की तैयारी करते में उसका लाभ होगा तो यह एक श्रद्धा बन जाती है बाकी लाइफ का क्या होगा अच्छा होगा बुरा होगा वो एक अलग ही पार्ट हो जाता है लेकिन हमारी श्रद्धा बन जाती है तो यह जो श्रद्धा है ये फिर काम करती है तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को संयत करता है और साधन परायण है मतलब कि एक साधन में लगा हुआ है तो जो साधन में लगेगा कि मैं आत्मा को जान लूँ आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो तत्व ज्ञान मुझे प्राप्त हो जो साधन में लगेगा उसके अंदर श्रद्धा भी आ ही जाएगी और जब श्रद्धा आ जाएगी तभी उसको ज्ञान का लाभ मिलेगा श्रद्धावान लभते ज्ञान उसे यह विश्वास रखना पड़ेगा यह श्रद्धा रखनी पड़ेगी सबसे पहली श्रद्धा देखिए योग का जो मार्ग है ज्ञान का जो यह आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग या योग का मार्ग कही वो एक ही विषय है श्रीमद भगवद गीता के अनुसार वो एक ही विषय है आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग और योग का मार्ग यह एक ही विषय है यह दो अलग अलग विषय नहीं है तो जब आप आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आप चलेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो आप उन पॉइंट्स को छुएंगे उनको अनुभव करने की कोशिश करेंगे उनको जानने की कोशिश करेंगे और जब आप इस प्रयास में रहेंगे तो आप श्रद्धावान बन जाएंगे आपकी एक विशेष रुचि अपने आप विकसित हो जाएगी क्योंकि जब आप कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो किसी चीज को ना कहकर नहीं चलते हैं हाँ जिनको कुछ ग्रंथों के नाम पर शास्त्रों के नाम पर कुछ एजेंडा चलाना है तो वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है कि ऐसे सही क्योंकि लोग कुछ चीजों को ग्लैमराइज कर कर कुछ चला देना चाहते इसलिए बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं तो हमें उन संशयों से कई बार चमत्कारी ढंग से बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं होना कुछ और होता है बताया कुछ और दी, और दिया जाता है घुमा फिराकर यह जो हमारी जो यह प्रकृति है बेचारी घुमा फिराकर उसी जगह पर किसी को पहुंचाती है तो कर्म होते हैं और कर्मों का फल मिलता है यह सब चलता ही रहता है तो चलिए ठीक है यह श्रद्धा बनेगी जब श्रद्धा बनेगी साधना होगी श्रद्धा बनेगी तो आप ज्ञान के अधिकारी बनेंगे और श्रद्धावान व्यक्ति जो पूरी श्रद्धा से साधना के मार्ग पर चलता रहता है वह ज्ञान का लाभ उठा लेता है उसे ज्ञान का लाभ मिलता है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय जो तत्पर है तत्पर जो तत्पर है जो प्रयास में लगा हुआ है और संयत इंद्रिय जो संयत इंद्रिय है अपने इंद्रियों का भी संयम करता है संयम करने का क्या मतलब इंद्रियों को एकदम जेल कैद खाने में रखता है ऐसी भी कोई बात नहीं है संयम करता है इंद्रियों को स्वेच्छाचारी बनने नहीं देता अपने हिसाब से चलाता है तो श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयते ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचिरेनादिगचती ज्ञान को प्राप्त होता है ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल परम शांति को भी प्राप्त हो जाता है तो यह सब श्रद्धा से तो सर्वप्रथम हमें विवेक से चीजों को समझना चाहिए और ज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए तो श्रद्धावान जब हमारी श्रद्धा होगी ज्ञान के विषय में तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी ज्ञान के विषय में हम ज्ञान नहीं मान लीजिए कि श्रद्धा का नहीं होने का मतलब क्या है ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हम हम क्या चाहते हैं हम ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर सारी सारा फोकस तो सिद्धियों पे चला जाएगा फिर फिर सारा फोकस तो आपका सिद्धियों पे चला जाएगा हम बस ऐसे ही थोड़ा सा शांति चाहते हैं बस थोड़ा सा ऐसे ही कुछ कुछ कर लेना चाहते हैं तो उससे भी श्रद्धा कहां रहेगी फिर जब तक एक सच्चे मन से एक इच्छा नहीं होगी कि मैं स्वयं को जानू मैं स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो मैं अपने संपूर्ण जीवन के रहस्य को जानू मैं संपूर्ण धर्म के रहस्य को जानू मैं संपूर्ण जीवन के रहस्य को जानू या मैं संपूर्ण धर्म के रहस्य को जानू मैं संपूर्ण आध्यात्मिक के रहस्य को जानू जब तक यह जानने की इच्छा नहीं होगी और उसके लिए प्रयास नहीं होगा तब तक सही से श्रद्धा भी विकसित नहीं होती है और श्रद्धा विकसित होगी तो ज्ञान निश्चय होगा ज्ञान का लाभ भी निश्चय होगा और जब ज्ञान का लाभ निश्चय होगा तो परम शांति भी मिलेगी और जीवन का लक्ष्य भी पूर्ण होगा जीवन का लक्ष्य भी पूर्ण होगा ठीक है तो यह बात हमें समझने की आवश्यकता है इस पर विचार करने की आवश्यकता और अगर यह सब नहीं होता तो भगवान आगे कहते हैं क्या कहते हैं आगे कहते हैं अगले श्लोक में बोलते हैं किनको ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञा संशय संशयात्मा विनश्यति संशय संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्म विवेकहीन और श्रद्धा संशय संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है ना परलोक है और ना सुख ही है विवेकहीन तो और श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य के लिए तो ना तो यह लोक है ना परलोक है और ना कोई शांति है उसका तो विनाश ही होता है संशय आत्मा विनश्यति उसका पतन हो जाता है विनश्यति मतलब उसका पतन हो जाता है विनाश हो जाता है संशय आत्मा विनाश होने का मतलब क्या है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती विनाश होने का तात्पर्य है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है अब संशय आत्मा क्या है मैं आपको बताता हूं संशय आत्मा क्या है संशय आत्मा मुझे कई लोग फोन करते हैं और उनके कई दृष्टिकोण होते हैं पता नहीं वो जीवन में क्या करना चाहते हैं मैं जब भी किसी से बात करता हूं या मुझे कई बार लोग व्याख्यान के लिए कहीं बुलाते हैं और कहीं अभी मैं आगे कहीं और भी व्याख्यान कुछ देने जाऊंगा मुंबई शहर में तो कुछ कहीं पर अब धीरे धीरे पहले तो मैं जाता था लेकिन ये कोरोना टाइम में सब बंद हो गया आप अगर कुछ इवेंट व्याख्यान करवाएंगे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं तो जब भी मैं जाता हूं तो एक ही विषय कि आप संतुलन के सिद्धांत को समझिए वास्तव में जब आप योग की बात करते हैं तो आप संतुलन का ही विज्ञान बात कर रहे होते हैं संतुलन के विज्ञान की ही चर्चा कर रहे होते हैं आपको एक सुंदर जीवन जीना है बहुत बेहतर जीवन जीना है तो आपको संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखना पड़ेगा संतुलन शरीर के स्तर पर संतुलन मन के स्तर पर संतुलन भावनाओं के स्तर पर संतुलन गुणों के स्तर पर और योग क्या करता है तीनों गुणों को संतुलित करता है रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीनों को संतुलित करता है आप इन तीनों गुणों को संतुलित करना सीखो अब एक और प्रश्न आता है कि भाई हमें अब कुछ लोग ज्योतिष के बारे में भी चर्चा करते हैं जी हां ठीक है लेकिन वास्तव में ज्योतिष को भी क्या चाहिए संतुलन चाहिए ग्रहों को क्या चाहिए संतुलन चाहिए आप अगर योग मार्ग से संतुलित संतुलन की ओर आगे बढ़ रहे हो अगर आप योग मार्ग को समझ रहे हो और संतुलन के लिए कार्य कर रहे हो यहां पर जो भी देखिए कोर्सेस चलती हैं प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स फिलोसफी का कोर्स और ध्यान योग का कोर्स चलता है ये सभी कोर्स जीवन को बेहतर जीवन बेहतर जीवन जीने का तरीके के लिए ही है कि आप बेटर लाइफ जी सके आप एक बेहतर जीवन जी सके आप एक संतुलित जीवन जी सके बैलेंस लाइफ जी सके बैलेंस में रहकर आप अपने जीवन को जी सके और हालांकि बैलेंस पूर्ण बैलेंस होने का मतलब है मोक्ष हो जाना पूर्णता संतुलित होने का मतलब है मोक्ष हो जाना जी हाँ जहां पर आपके तीनों गुण संतुलित हो जाएंगे यह सांख्य विचारधारा है अब यह मत बोलना कि मैंने किसी की बात काट दी या किसी का वो बिगाड़ दिया किसी का अर्थ खराब कर दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यह सांख्य विचारधारा है कि जब तीनों गुणों का संतुलन होगा क्योंकि बहुत तरह के विचार के लोग होते हैं कई भक्तिवादी होते हैं कई योगवादी भक्तिवादी तो वो कुछ अलग ढंग से बातों को रखेंगे लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है किसी को योग मार्ग से जोड़ने का या ध्यान योग सिखाने का या कुछ भी बतलाने का वह एक ही उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में संतुलन बनना चाहिए और आप कैसे कैसे संतुलन बना सकते हैं उसको भी समझना चाहिए लेकिन कई बार हम बहुत सारी चीजों को अच्छा करने में ही बुरा कर देते हैं कई बार हम बहुत श्रेष्ठ योगी बनने के चक्कर में योगी नहीं रह जाते कई बार हम बहुत अधिक श्रेष्ठ योगी बनने के चक्कर में उल्टा ही हम योगी नहीं रह जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों को कुछ ऐसी एनर्जीज को ज्यादा बढ़ा देते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती है कई बार हम ज्योतिष में ग्रहों के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं कि ओवर के शिकार हो जाते हैं ज्यादा सोचने लग जाते हैं वहां ओवर थिंकिंग हो जाती वहां भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती कलयुग के पहचान में भगवान कृष्ण ने एक और बात बताई थी कि एक गाय जो है अपने बछड़े को चाट रही है और वो इतना चाट रही है इतना चाट रही है कि जहां चाट रही है वहां से खून निकल रहा है ठीक है गाय है अपने बछड़े को चाटेगी मां है उसकी तो करेगी लेकिन वो उसने इतना प्यार बढ़ा दिया है कि वो अब नेगेटिव डायरेक्शन ले चुका है तो बुरी चीजों से तो बुराई होती ही है संतुलन बिगड़ता ही है लेकिन कई बार बहुत अच्छी चीजों से भी संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है योग का मार्ग हमें संतुलित होना सिखाता है लाइफ में कैसे हमें संतुलित होना है हमें कैसे संतुलन के सिद्धांत को समझना है तो जितना हम संतुलन के सिद्धांत को समझेंगे उतना अधिक हम योग मार्ग पर सही से चल पाएंगे तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है चीजों को हम जाने ज्ञान को हम समझे जाने और उनके प्रति अगर यदि हम श्रद्धा रखें तो निश्चय ही यदि हम श्रद्धा रखें तो निश्चय ही ज्ञान का लाभ होगा लेकिन जब संशय होगा संशय मतलब क्या कई लोग मुझसे कुछ सीखने के उद्देश्य से कुछ बात करते हैं कभी तो किसी तरह बायस दिखाई देते हैं कभी किसी तरह बायस दिखाई देते हैं ठीक है कुछ लोग उसका मैं जो बताता हूं कुछ लोग उसका अनुसरण करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं ठीक है लेकिन जब तक आप संतुलन के विज्ञान को नहीं समझोगे कि आपको अपने आप को बैलेंस स्टेट में ले आना है जब तक नहीं समझोगे और इसी के लिए आपको ज्ञान हासिल करना है ज्ञान को भी समझना है और पूर्ण पूर्ण जो बैलेंस स्टेट है वो क्या है भी एक प्रश्न है कि पूर्ण संतुलित अवस्था है मोक्ष जिसे आप मोक्ष कहते हो निर्वाण कहते हो वह पूर्ण रूपेण संतुलित अवस्था है एक बैलेंस स्टेट है तीनों गुणों का बैलेंस हो जाता है रजोगुण सतोगुन तमोगुण का जहां पूर्ण बैलेंस हो जाता है वो हमारे वहां पर हमारे लिए कोई व्याधि नहीं है कोई दुख नहीं है तो जब हमारी इच्छा होगी तभी हम पूर, पूर, पूर्णता बैलेंस हो पाएंगे नहीं तो इधर उधर का मामला चलता ही रहेगा वो रुकने वाला नहीं है तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है और जब आपको योग मार्ग में श्रद्धा नहीं है जब आपको स्वयं के लक्ष्य के प्रति मुझे आत्मज्ञान चाहिए मुझे इस संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को समझना है अपने रहस्य को जानना है खुद के रहस्य को मुझे जानना है कि मैं कौन हूं हु एम आई मैं कौन हूं इसको जानो महर्षि रमन ने जो कहा एक पाश्चात दार्शनिक हुए सुकरात उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ खुद को जानो यही सबसे बड़ी चीज है तो जब तक ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी उसके प्रति हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं होगा और साथ ही साथ समर्पण भाव नहीं होगा और लोक कल्याण की भावना नहीं होगी कि दूसरे भी जान पाए कि भाई हां लोक अपना कर्म तो व्यक्ति को करना पड़ता है यह सेवा का कार्य है मैं भी यहां पर आपको वीडियोस व्याख्यान देता हूं ताकि प्रेरणा बने प्रेरणा बने तो ये चीज है तो प्रेरणा लेनी जरूरी है हम दूसरों को भी ज्ञान के प्रति वो कर पाए तो इससे हमारी श्रद्धा का और विकास होता है तो ज्ञान का भी विकास होगा फिर नहीं तो संशय जब होगा जब आप करना क्या चाहते हो प्रश्न ये है क्योंकि मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग मुझे कई ढंग से फोन करते हैं बातें करते हैं कुछ लोग योग मार्ग पर खूब धन एकत्र करना चाहते हैं। कुछ लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि योग का अर्थ क्या है उनको इस बात से मतलब है कि चल क्या रहा है मार्केट क्या चल रहा है मार्केट क्या आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे लोगों से मेरी वार्तालाप हुई उनको योग से कोई लेना देना नहीं है कि वास्तविक योग क्या कैसे लेकिन मार्केट क्या चल रहा है तो योग के माध्यम से कुछ मार्केट चलाना चाहते हैं मैं क्यों बोल रहा हूं यह संशय आत्मा का उदाहरण है यह संशय आत्मा का उदाहरण है कि उन्हें वास्तविक रूप से योग से कोई ज्यादा ज्यादा लेना देना नहीं है पूरे प्रोसेस को उन्हें नहीं समझना है कहीं पर कुछ आधा प्रोसेस बताया गया आधी बात बताई गई आधी अधूरी बात बताई गई उससे लाभ नहीं हुआ तो क्या वो गलत हो गया गलत ना वो ना गलत ना ये लेकिन आपको सही तरीका नहीं मिला या सही बात आप तक पहुंची नहीं तो गलत हो ही जाता है पूरी बात आप तक नहीं पहुंची जैसे थी वैसे नहीं पहुंची कुछ और पहुंच गई घूम फिर कर पहुंच गई आपका उद्देश्य अलग है तो फिर संशय तो हो ही जाता है तो जब आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो उनको कहते हैं कि संशय आत्मा इसलिए योग का मार्ग क्या है अब फिर से एक बात को समझने की आवश्यकता है कि योग का मार्ग क्या सब कुछ छोड़ छाड़ देने का मार्ग है योग का मार्ग क्या त्याग कर देने का मार्ग है। जो छूटने वाली चीजें हैं वो अपने आप छूट जाएंगी जो छूटने वाली चीजें हैं वो अपने आप ही छूट जाएंगे स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी के पास स्वामी विवेकानंद जी एक गांव में गए एक गांव में गए और जब वो गांव में गए और तो उस गांव के अंदर एक व्यक्ति ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि स्वामी जी आपको मैंने प्रणाम किया स्वामी जी ने पूछा आपने क्यों प्रणाम किया मुझे उस व्यक्ति ने कहा कि आप परम त्यागी हैं आप महापुरुष हैं आपने विवाह भी नहीं किया घर नहीं बसाया आपने और आप इस तरह से मॉडर्न एज में कंटेम्प्रेरी एज में हम योग के सबसे बड़े जो वो हैं हम मानते हैं कि प्रथम योग उपदेशक हम मानते स्वामी विवेकानंद कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स जो हैं वो युगा फिलोसफी में या वेदांत फिलोसफी में उनको सबसे ऊंचा माना जाता है ठीक है और भी लोग हैं जिन्होंने काम किया है ऐसी बात नहीं है लेकिन उन्होंने एक जो शुरुआत की पूरे विश्व भर को वेदांत का संदेश दिया और समझाया तो चलिए उनसे एक व्यक्ति मिला उसने कहा कि आप त्यागी हैं आपने विवाह भी नहीं किया आप सन्यासी बन गए और हमारा जीवन तो ऐसा है नहीं तो आप बहुत बड़े त्यागी हैं तो स्वामी तो विवेकानंद ने उस पर व्यंग करते हुए कहा कि नहीं नहीं तुम मुझसे बड़े त्यागी हो तुम मुझसे भी बड़े त्यागी हो क्यों मुझसे बड़े त्यागी हो अरे भाई मैंने तो वो छोड़ा है जो मेरा है ही नहीं यह संसार यह संसार की चीजें और विवाह गृहस्थी यह मेरा तो है ही नहीं मैंने छोड़ के रखा है लेकिन तुमने तो उसे छोड़ दिया है तुमने तो उसे छोड़ दिया है जो तुम्हारा है और तुम्हारा क्या है वो आत्मा ही तुम्हारी है वही साथ देने वाली है वही हमेशा साथ रहने वाली है वह आत्मा ही तुम्हारी है तुमने उस आत्मा को छोड़ रखा है जो तुम्हारा है और तुमने वो सारी चीजें पकड़ रखी हैं जो तुम्हारा नहीं है तुम्हारा नहीं है तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है स्वामी जी मुझे भी सन्यासी बना दो मैं भी सब छोड़ देता हूं क्योंकि ये सब तो कुछ है नहीं मैं भी सब छोड़ देता हूं स्वामी जी ने कहा कि नहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है बस तुम उसको पकड़ो जो तुम्हारा है उसके बाद जो छूटना है वो अपने आप ही छूटेगा तुम उसको पकड़ो जो तुम्हारा है अगर आत्मा ही तुम्हारी है तो तुम आत्मा को जानो उसके पीछे पड़ो उसको जानने के पीछे पड़ो और उसके जानने की प्रक्रिया में तुम सब जान जाओगे मन क्या है बुद्धि क्या है चित्त क्या है अहंकार क्या है रजोगुण क्या है तमोगुण क्या है सतोगुण क्या है वो कैसे काम कर रहे हैं ये सब तुमको पता चल जाएगा जब आत्मा को जानने जाओगे तो आत्मा के पहले जितनी भी चीजें हैं यह प्रकृति का संपूर्ण रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा जो तुम्हारा है तुम उसको पकड़ो जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा जो तुम्हारा है नहीं वो तो छूटेगा एक दिन उसको पकड़ो चाहे ना पकड़ो अगर पकड़ के रखे हो तो भी छूटेगा नहीं पकड़ के रखे हो तो भी छूटेगा अरे भाई ट्रेन चल रही है स्टेशन आ गया आप बोलो कि नहीं इसी स्टेशन पे ट्रेन रहे कहीं जाए ही नहीं तो संभव ही नहीं है तो जाएगी और स्टेशन छूटेगा तो संसार की चीजें तो छूटेंगी ही छूटेंगी संसार की चीजें न छूटे ऐसा कदापि संभव नहीं है संसार की चीजें न छूटे ऐसा कदापि संभव नहीं है तो संसार की चीजें तो छूटेंगी ही छूटेंगी इसमें हमें क्या दुखी होना आसक्तिवश दुख तो आएगा लेकिन यदि हम आत्मा की यात्रा कर लें, उसके प्रति हम श्रद्धावान बन जाए उस परमात्मा तत्व के प्रति हम श्रद्धावान बन जाए जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो अब क्या हुआ जब स्वामी जी ने यह विचार उस व्यक्ति को दिए तो उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो किसके प्रति आत्मा को जानने के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई एक टाइम के लिए तो उसको कहा कि ठीक है मैं भी आपके साथ अब सन्यासी बनता हूं दाढ़ी बाल बढ़ा लेता हूं मुंड मुडा लेता हूं जो आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा कि जटिलो मुंडी लुंचित केशव काशा याम्बर बहुकृत वेश मैं ऐसा बन जाता हूं स्वामी जी ने कहा कि नहीं कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है बस ये जो आत्मा वाली बात है इसको पकड़ने की जरूरत है जब इसको पकड़ोगे जो चीज छूटने वाली है ना वो ना भी छोड़ोगे तो भी तो छूटेगी तुम बोलो कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या नहीं छूटेगी फिर भी छूटेगी लेकिन जो नहीं छूट सकती है वह आत्मा है वह परमात्मा है मैं जब बोलूं आत्मा है परमात्मा है तो एक ही तत्व के लिए बोल रहा हूं दो तो अलग चीजों के लिए नहीं बोल रहा हूं आत्मा परमात्मा एक ही तत्व के लिए बोल रहा हूं तो जब आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं छूटनी चाहिए यही अपना है और इसी को जान लेना है इसी का ज्ञान प्राप्त कर लेना है तो जब ये जब ये समझ पैदा हो जाएगी तो क्या होगा श्रद्धावान लभ्य ज्ञानम श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय दूर हो जाएगा लेकिन जो बहुत तरह की बातों को लेकर चले हैं कुछ लोग योग के मार्ग पर इस तरह से चलते हैं जैसे कुंडलिनी जागृत हो जाए हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी हम बहुत स्पेशल बन जाएंगे स्पेशल पावर्स आ जाएगी हमारी हम ये कर देंगे वो कर देंगे ठीक है भैया जाओ करके दिखा दो अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करो तो डिस्ट्रैक्शंस हैं बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन है कोई कुछ करना चाहता है कोई कुछ करना चाहता है कोई कुछ साधना चाहता है कोई मार्केट खड़ा करना चाहता है योग के नाम पर कोई लोग कर भी रहे हैं इसमें कोई संशय भी नहीं लेकिन वो जो बायसनेस है वो जो चीज है आपके जीवन को किसी ना किसी पॉइंट पर असंतुलित जरूर कर देगी असंतुलित जरूर कर देगी श्री कृष्ण अर्जुन को बस संतुलन संतुलित अवस्था में लाना चाहते हैं उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है पैनिक अटैक उसको हो गया है हाथ पैर उसके कांप रहे हैं फूल गए हैं पसीना निकल रहा है गांडी छोड़ चुका है उसे लग रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है युद्ध करने का और वैसे भी यह युद्ध धर्म युक्त है न्याय युक्त है तो कर्तव्य रूप में उसे करना भी चाहिए लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को कोई लोभ लालच नहीं दे रहे हैं कोई इस तरह का प्रेरणा नहीं दे रहे हैं अरे तो युद्ध करेगा सबको मारेगा पूरी पृथ्वी पर राज करेगा नहीं ऐसी कोई प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, नहीं क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीवन कितना रहस्यमई है ऐसा नहीं कि तू तो युद्ध जीत कर भी बड़ा सुखी और चैन की जिंदगी जीलेगा नहीं कहने की बातें हैं यह प्रकृति अनेकों खेल खेलती रहती है अनेकों परिस्थितियों को प्रकट करती रहती है तो संतुलन की ओर आगे बढ़ना चाहिए और यह आत्मा की ओर आगे बढ़ना चाहिए जो अपना है उसको जानो जो पराया है वो तो छूटेगा ही छूटेगा ना छोड़ोगे तो भी छूटेगा तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति को यही समझाया कि बस तुम अपनी आत्मा को जानो उसे पकड़ लो जो छूटना है वो अपने आप ही छूट जाएगा वो अपने आप ही छूट जाएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी ओर आगे बढ़ो और किसी विषय से मत करो कि ये गलत या वो सही प्रकृति में कई चीजों का अपना अपना स्थान है भगवान उसे प्रेरित करते हैं और उसे कर्तव्य रूप में समझाकर समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार से उस आत्मा को तू जान ले और आत्मा को जान ले यही विषय श्रीमद भगवद गीता का मुख्य विषय है आगे भी भगवान यही समझा रहे हैं तो जब ऐसा ऐसी समझ पैदा होगी आत्मा को जानने के प्रति जब ऐसी समझ पैदा होगी तो इसे हम कहेंगे श्रद्धा पैदा हुई है और जब ये लक्ष्य निश्चित नहीं है कभी कुछ कभी कुछ लगा हुआ है कभी किसी को कुछ और सोचना है कभी किसी को और समझना है तो जब ये चीज लगी हुई है जब यह प्रॉब्लम लगी हुई है तो फिर क्या होगा संशय आत्मा विनश्यति संशय आत्मा का विनाश होगा चाहे वो कितना भी योगा कर ले कितना भी योग कर ले संशय आत्मा विनश्यति वाली स्थिति बन जाएगी ठीक तो जब हम इस बात को समझेंगे तो निश्चय ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे और वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न कर पाएंगे तो भगवान यही कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम अभ्यास से प्रयास से जब तुम पहले जानो कि आत्मा क्या है और फिर उसके लिए जब प्रयास करोगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी और श्रद्धा से ज्ञान का लाभ हो जाएगा लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा जो संशय आत्मा है किसी को कभी कुछ सिद्धियां चाहिए किसी को कोई योगा मार्केट खड़ा करना है किसी को ठीक है वो अपनी जगह पर शायद सही हो उस 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 सब्जेक्ट में लेकिन संतुलन तो बिगड़ ही सकता है संतुलन तो बिगड़ ही सकता है संतुलन तो बिगड़ेगा ही और संतुलन जब बिगड़ेगा तो फिर समस्याएं फिर जीवन में आएंगी फिर पता चलेगा कि योग से भी हमारा कुछ कल्याण नहीं हो रहा है तो क्या योग ही विषय गलत हो गया जी नहीं योग ही विषय गलत हो गया ऐसी बात नहीं है विषय समस्या ये हो गई कि आपने योग को सही से समझा नहीं तो आजकल बहुत संशय है बहुत सारी चीज़ें हैं तो भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा जो बहुत तरह के बातों और बहुत तरह के चीज़ों के प्रति अपने ध्यान को लगाकर रखता है कभी कुछ कभी कुछ तो वो संशय आत्मा रह ही उसको कहा जाता है तो संशय आत्मा हमें नहीं बनना है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम श्रद्धावान हमें बनकर हर विषय को देखना है हर विषय को समझना है तब जाकर हम उसका लाभ उठा पाते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं और हम पूर्णता जो है क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा यह प्रकृति का जो खेल है वो तो चलेगा वो चलेगा ही चलेगा सुख दुखे समय कृतवा हम में रहो तुम सुख दुख आएगा है चक्रवत विधि की गति ऊपर कभी नीचे कभी सुख दुख न रहते सम कभी आते कभी जाते कभी यह प्रकृति की गति इससे कोई बच नहीं पाया क्या अवतारी पुरुष आ गए तो वो बच गए वो बच गए क्या राम कथा सुनते हो भगवान राम की लीला उनका जीवन सुनते हो लेकिन तुम्हें खुद राम जैसा जीवन जीना पड़े तो जरा सोचो जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे खुद राम जैसा जीव राम वैरागी थे जी हां यही योग वा, योग वासिष्ठ इसी बात को समझाता है कि राम का चरित्र वैरागी चरित्र था तो लेकिन अगर हम उन्हें साधारण मनुष्य माने और हम सोचे कि जितनी गृहस्थी में उनके जीवन में जितनी समस्याएं आई प्रॉब्लम्स आई अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम कैसे चलेंगे हम कैसे हैंडल करेंगे बहुत सारी बातें हैं तो इसीलिए यह तो जीवन में सुख दुख होना आना शरीर का धर्म है भोग रोग शरीर तो चलेगा उस हिसाब से तो यह सब तो रहेगा इन सब के प्रति दृष्टा भाव साक्षी भाव रखकर हमें क्या करना चाहिए आत्मा की उपलब्धि करना चाहिए और जो मार्ग में जो कर्तव्य कर्म आ रहे हैं उसे निष्काम भावना से करते हुए साक्षी भाव से करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए ठीक है तो जब हम ऐसा ऐसा समझेंगे तो निश्चय ही हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे सही श्रद्धा को नहीं तो जो लोग नहीं समझते हैं और कभी इधर कभी उधर की सोच रखते हैं तो उनको संशय आत्मा भगवान कह रहे हैं कि वो एक जगह पर टिके हुए नहीं हैं संशय आत्मा का विनाश हो जाता है उनका पतन हो जाता है अज्ञशा जो विवेकहीन है अज्ञ अश्रद्धान आत्मा जो श्रद्धा रहित है अश्रद्धान मतलब कि श्रद्धा नहीं है उसके अंदर श्रद्धा से रहित है और संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है तो संशय आत्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक है ना ही परलोक ही हितकारी है तो संशय में नहीं जीना है सब कुछ हम संभाल लेंगे सब कुछ हम कर लेंगे ऐसा ऐसी बात नहीं है लेकिन जो हम कर सकते हैं हमें करना पड़ता है और जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है तो यही है संशय आत्मा का विनाश फिर होगा तो अपनी एकाग्रता को अपने फोकस पॉइंट को ज्ञान के सही दिशा में रखिए आत्मा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए अगर आप सही दिशा में हैं तो अपने लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे इसीलिए ध्यान योग का कोर्स आत्मज्ञान के लिए है निश्चय ही मैं कई बार कहता हूं ध्यान योग का कोर्स ब्रह्म ज्ञान का ही मार्ग है आत्मज्ञान का ही मार्ग है इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन उससे पूर्व ध्यान योग के माध्यम से आप अपने जीवन को संतुलित भी कर सकते हैं आप अपने जीवन को बैलेंस भी कर सकते हैं संतुलन में भी ला सकते हैं आप अपने जीवन को तो आपका जीवन संतुलित रूप से आगे बढ़े इसके लिए भी ध्यान योग जरूरी है इसके लिए भी ध्यान योग जरूरी है ताकि आप संतुलित तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकें तो संतुलन को बनाए रखने के जब आप संतुलित रूप से आगे बढ़ेंगे तो आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे और जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो निश्चय ही आप संपूर्ण जीवन के रहस्यों को ज्ञान की प्राप्ति होने वा करने वाले जो योगी हैं वह स्वभाव वश ही निष्कामी हो जाते हैं वह स्वभाव वश ही निष्कामी हो जाते हैं निष्काम अवस्था में चले जाते हैं तो ऐसा उनका स्वभाव बन जाता है तो निष्काम अवस्था में जाते हैं तो क्या जो जरूरी काम है वो नहीं करेंगे वो भी करेंगे वो निष्काम होने पर भी करेंगे तो एक आर्ट ऑफ लिविंग है एक जीवन को बेहतर ढंग से जीने का तरीका है वास्तव में ध्यान योग क्यों करना है ध्यान योग सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी बल्कि यह सबसे पहले तो यह आपके एक बेहतर जीवन जीने का तरीका है जब आप ध्यान योग करते हो तो अपने लाइफ को बेटर करते हो साथ में ध्यान योग से हमारी हार्मोनल बैलेंस भी बनती हैं जो हमारी हार्मोन्स है पीनियर ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होती हैं पिटूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रिट होती हैं उनका एक बैलेंस बनता है डोपामीन हारमोन्स होता है, हैप्पी हॉर्मोन जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस फील होती हमें तो डोपामीन है सीरोटोनिन है और आपके कई हॉर्मोन्स ऐसे हैं तो उनसे जो है हमें बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाता है ध्यान योग से तो ध्यान योग हमारे अंदर कई तरह का संतुलन लेकिन सही ढंग से हम करें तब हम अभ्यास में रखें तब तो जब हम करते हैं तो हमें वो सारी चीजें हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो हमें यह बात समझना होगा और जब हम श्रद्धा रखेंगे ज्ञान के प्रति इस तरह से उसके महत्व को जानते हुए समझते हुए तो श्रद्धा भी आएगी और श्रद्धा से हम सतत प्रयास में लगेंगे तो फिर हमें ज्ञान भी हो जाएगा और ज्ञान का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे अन्यथा बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनके कारण योग मार्ग पर भी डाइवर्सन्स हैं इधर उधर कहीं भटक गए तो संशय पैदा हो जाएगा संशय पैदा हो जाएगा विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे और शास्त्र सम्मत विचारों को नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो संशय पैदा हो जाएगा और संशय आत्मा का विनाश होता है संशय का पतन होता है यही सत्य है और ऐसा होता है तो इसलिए भगवान कृष्ण सचेत भी कर रहे हैं कि तुम्हें संशय में नहीं पढ़ना है संशय आत्मा से तुमको बचना चाहिए और आगे कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तस्मात्त हृतस्तम अज्ञान संभूतम आत्मन संशयम ज्ञान ज्ञानासिना सिना छिवा योगम आतिष्ठ उतिष्ठ ये भरतवंशी अर्जुन हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके जब ज्ञान होगा ज्ञान रूपी तलवार से संशय को नष्ट कर दो और यह सब कब होगा जब आप किसी तत्वदर्शी पुरुष की शरणागति को प्राप्त करते हैं जब आप किसी तत्वदर्शी पुरुष की शरणागति को प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान से संपूर्ण संशय नष्ट होते हैं सारे संशय दूर होते हैं और सारे संशयों का दूर होने से ज्ञान होता है तो संशय कब दूर होते हैं जब जब ज्ञान होता है तो सारे संशय दूर हो जाते हैं गो तो स्वामी तुलसीदास जी ने संशय दूर होने का तरीका बताया है कथा मतलब कि विचार सुनना तत्वदर्शियों का तत्व ज्ञानियों के विचार सुनने से भी संशय दूर होते हैं और सही रास्ता मिलता है सीधा रास्ता फिर मिलता है स्ट्रेट वे हमें मिलता है तो सुनने से भी संशय दूर होते हैं तो डाउट्स क्लियर होते हैं संशय दूर होते हैं विवेक जागृत जागृत होता है और जब विवेक जागृत होता है तो ज्ञान का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है तो यह एक प्रक्रिया भगवान एक प्रोसेस से हमें जोड़ रहे हैं समझा रहे हैं कि संशयों को दूर करना है तो भी तू ज्ञान की शरण में जा उन तत्वदर्शियों के पास जा वो जब तुझे बताएंगे उपदेश करेंगे तो श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी और ज्ञान भी हो जाएगा और उनकी बात को मान श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी और फिर ज्ञान भी हो जाएगा अगर तू तो उन तत्वदर्शियों के पास जाकर बातों को समझता है तो अब भैया आपने किसी को ही तत्वदर्शी समझ लिया कुछ ही समझ लिया आपकी कही कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग या कुछ गलत जगह पर आप पढ़ गए जहां पर पूरी तरह से बात को नहीं समझाया गया आधा अधूरा समझाया गया मिक्स बातें समझाएगी इसमें यह विडंबना है लेकिन जो तत्वदर्शी होगा वह प्रकृति के रहस्य को मार्ग को आपको सही से ही समझाएगा यही भगवान कर रहे हैं भगवान इसीलिए कोई बहुत बड़े बड़े आदर्श नहीं रख रहे ज्ञान की बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े आइडियलॉजिस्ट या प्रिंसिपल्स नहीं रख रहे हैं क्योंकि इट इज कहा गया है इट इज इजियर टू से प्रिंसिपल्स देन टू फॉलो इट इसी प्रिंसिपल को कहना आसान होता है उसको फॉलो करना मुश्किल होता है कह देना बहुत आसान होता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे दूसरों को उपदेश देना बड़ा ही कुशल होता है आदमी लेकिन हम खुद को स्वतंत्र संतुलित अवस्था में ले आए संतुलन में हम रह पाए और संतुलित हम जीवन जी पाएं यह हमारे लिए जरूरी है और ये हमें समझना हमें ज़रूरी है ठीक है तो जब हम इस तथ्य को समझेंगे और ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे और ज्ञान को ही अपना लक्ष्य मानेंगे तो निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति भी होगी सतत अभ्यास करने की जरूरत है श्रद्धा से मार्ग पर चलने की ज़रूरत है और डायरेक्शन को अपनी दिशा को सही दिशा में जीवन को ले जाना अपने लक्ष्य को सही करने की आवश्यकता है जब वो लक्ष्य सही होगा तो अभ्यास भी होगा श्रद्धा भी उत्पन्न होगी ज्ञान का लाभ भी होगा ठीक है तो यह हमें समझकर चलना है आगे भगवान कृष्ण इसी की बात कहते हुए कि तेरा संशय नाश नष्ट हो जाएगा जब तू ज्ञान को प्राप्त करेगा तो संशय नष्ट हो जाएगा अगर संशय है बातों को समझना है तो तत्वदर्शियों का सुनो उपदिक्षंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना उपदिक्षं ते ज्ञानम वो ज्ञान का उपदेश करेंगे तो जो ज्ञान का उपदेश करेंगे वो सारे संशयों का नाश कर देंगे और उनके उपदेश से तुझे ज्ञान हो जाएगा और जब ज्ञान होगा तो निश्चय ही तेरा कल्याण भी होगा निश्चय ही तेरा कल्याण भी होगा तो अंत में चौथे अध्याय के अंत में भगवान यही कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा योग में स्थित हो जा जब संशय दूर होगा तभी तो योग में स्थित होगा योग में स्थित हो जा और तू चल लेकिन कृष्ण अर्जुन की तरह समझाना यह बड़ी बात है कृष्ण कोई किसी आश्रम के कोई मठाधीश कोई गुरु रूप में वहां पर नहीं है कोई ऋषि मुनि का वेश धारण करके भी नहीं है एक साधारण वह भी अगर बाहर से हम देखें कुछ देर के लिए हम ना माने कि वो अवतार हैं एक योगी है राजा जनक जैसे एक योगी है राजा जनक सुखदेव मुनि को उपदेश करते हैं तत्व का उपदेश करते हैं भगवान कृष्ण वही उपदेश अर्जुन को कर रहे हैं तो कुल मिलाकर एक आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जा रही है जीवन जीने का बहुत बेहतर ढंग सिखाया जा रहा है और ये तभी बेहतर हो सकता है जब हम जो सत्य वस्तु है और वो सत्य वस्तु क्या है आत्मा उसको लक्ष्य बना लें उसको जानना लक्ष्य बना लें उसमें स्थित होना लक्ष्य बना लें आप देखेंगे सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप संतुलन की अवस्था में आ जाएंगी लेकिन हां लक्ष्य बनाते समय दूसरी कई चीजें हो सकती हैं जो शायद बाधा के रूप में आए तो प्रकृति को समझना जरूरी है प्रकृति को समझना जरूरी है और जब आप प्रकृति को भली भांति समझोगे तो निश्चय ही सारे बाधाओं को दूर कर पाओगे माया से प्राप्त सारे बाधाएं दूर हो पाएंगी आपकी और आप एक संतुलित जीवन जी पाओगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर पाओगे तो भगवान योग सिखा रहे हैं और हमें भी यही योग सीखना है और उसी तरह से सीखना है जैसे कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं तभी मैं कहता हूं कि पता नहीं कुछ लोग गीता पढ़कर कुछ और बन जाते हैं पता नहीं क्या बन जाते हैं वह अर्जुन की तरह क्यों नहीं बन पाते कुछ और क्यों नहीं बन पाते जैसा गीता बनाना चाहती है वैसा ना बनकर कुछ और क्यों बन जाते हैं तो कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं है हम जो हैं हम जो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं अभी पीछे किसी वीडियो पर किसी ने मेरा कमेंट कर दिया कि भाई आपने ये क्या बोल दिया आपने तो भगवान और भक्त का संबंध ही खत्म कर दिया क्षमा चाहते हैं यदि आपको बुरा लगा आपको यदि बुरा लगा तो हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए कि हमने भगवान और भक्त का संबंध ही खत्म कर दिया जी हां हो सकता है आपको ऐसा लगे अगर आपको भगवान और भक्त का संबंध पसंद है और आपको लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है तो आप उस श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ लेकिन यदि आपको लगता है कि आत्मा को जानना चाहिए संतुलन के सिद्धांत को समझना चाहिए आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए स्वरूप की ओर आगे बढ़ना चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते ठीक है और यही भक्ति है गुरु शंकराचार्य तो साफ साफ शब्दों में विवेक चुड़ामि में कहा कि आत्म अनुसंधान करना ही भक्ति है तो गुरु शंकराचार्य के इस वाक्य को हम फिर प्रमाण वाक्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं कि एक प्रमाण भी है जब स्वयं गुरु विवेक चूड़ामि में कह रहे हैं कि आत्म अनुसंधान करना ही भक्ति है तो फिर भी क्षमा चाहेंगे अगर आपको ठेस लगी कि मैंने भगवान भक्त का संबंध को खंडित कर दिया या कुछ कर दिया जिसने भी समझा जब मीराबाई ने समझा मीराबाई बहुत बड़ी भक्त थी लेकिन जब वो जान गई संत रविदास के शरण में जाकर जब अध्यात्म के रहस्य को जान गई तो उनकी उन्होंने उपदेश भी फिर वैसे ही दिए अपनी वाणी में संत नामदेव जब जान गए तो उन्होंने उपदेश भी फिर वैसे ही दिए तो सबने अब सूरदास जी, जी कितने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के सूरदास जी कितने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के लेकिन वो कहते हैं दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी मन मंदिर में जोत तो जला लो घट घट वासी ये वाणी सूरदास जी की भले किसी नरसिंह भगत के फिल्म में इस गाना को इसे इसे गाया गया था जब नरसिंह भगत फिल्म कुछ बनी थी लेकिन यह वाणी सूरदास की तो मन मंदिर में मुझे दर्शन चाहिए भाई मंदिर मंदिर तो दर्शन कर ही रहे हैं मन मंदिर वाला कब दोगे तो मैं कहता हूं सूरदास आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं सूरदास आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि मन मंदिर में दर्शन चाहिए तो अब आप बताओ कि मैं जो यहां उपदेश दे रहा हूं क्या मैं भगवान और भक्त के संबंध को खत्म कर रहा हूं ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो डू नॉट फॉलो मी मैं यही कह सकता हूं लेकिन आप कभी मीराबाई को पढ़ें कभी आप संत सूरदास को पढ़ें आपने कितनी बार सुनी होगी ना मीराबाई की वानियां लेकिन कभी गौर किया कि वो कह क्या रही है ऊंची नीची राह लपटीली मुंह से चढ़े ना जाए पिया दूर बसे मारो ऐसे करके वानियां आती मेरे पिया बहुत दूर बसे हैं राह रा, रास्ता बड़ा ऊंचा नीचा लपटीली है रास रास्ता बड़ा लपटीला सा है अब उस पर मुझे चढ़ना है जाना है कहां पर जाने की बात कर रही सतगुरु मिले से छूटा घट हो या प्रकाशी मोह और माया दोनों ना गावे मीरा दासी अब ये घट में प्रकाश मन मंदिर में दर्शन सूरदास कह रहे हैं कि मन मंदिर में दर्शन करना है क्या दिशा दे रहे हैं ये आत्मज्ञान की ही तो दिशा दे रहे हैं क्या ये भक्त नहीं थे क्या ये भक्त नहीं थे तो आपने भगवान और भक्त की क्या परिभाषा बना रखी है ये आप जानिए अगर उसका खंडन होता है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा ठीक है तो आप ना मुझे मुझे मूर्ख समझकर मेरी बातों को व्यर्थ समझकर उसको मत अनुसरण कीजिए लेकिन यदि आपको समझ में आ रहा है यह बात कि आत्मा को जानना चाहिए और आत्मा को जानना मतलब आत्म अनुसंधान करना यही भक्ति इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने भक्ति कहा है कई लोग इसकी निंदा या क्रिटिसाइज करते हैं या कर सकते हैं वो एक अलग बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि आत्म अनुसंधान ही भक्ति है भक्ति शब्द का अर्थ है जुड़ना योग शब्द का भी अर्थ है जुड़ना तो कई बार मैंने पहले बहुत पहले मैंने योग और भक्ति क्या है दोनों में क्या अंतर इस पर एक वीडियो भी मैंने किया था कभी मैं दोबारा उसे आप लोगों को वर्तमान समय में दोबारा मैं उसको अपलोड कर कर सुनाऊंगा आप लोगों को तो हम इसको जब समझेंगे इस विषय को तो भक्ति करना और योग करने में अंतर नहीं दिखाई देगा अगर आप अनुसंधान कर लेंगे तो नहीं तो आपको ये संशय होगा कि मैंने भगवान और भक्त के संबंध को खत्म कर दिया या कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया ठीक है भैया गलत समझ के क्षमा कर देना और सही लगे तो अनुसरण कर लेना जीवन में अप्लाई कर लेना और देख लेना कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है तो कुल मिलाकर हम इस जीवन को बेहतर ढंग से समझें और जीवन को अच्छे से जिए और अच्छे से जीवन जिएंगे तो हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेंगे अगर हम जीवन अच्छे से जिएंगे तो हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेंगे और जीवन अगर अच्छे से नहीं जिएंगे तो हम मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे लेकिन जीवन अच्छे से जीने का सही सही अर्थ क्या है जीवन में संतुलन को बनाने की कोशिश करना और संतुलन की ओर आगे बढ़ना बैलेंस बनाना पहले आप वर्ल्ड लेवल पर ही सोच लीजिए दुनिया के स्तर पर सोचिए फिर मन के स्तर पर फिर आत्मा फिर बुद्धि हर स्तर पर सोचते सोचते जब हम संतुलन की स्थापना करेंगे तो योग वास्तव में योग का काम है आपके जीवन को संतुलित करना यही योग का काम है यही योग का उद्देश्य है योग इसीलिए किया जाता है कि आप संतुलित हो जाएं, आप बैलेंस लाइफ को जी आप बैलेंस में आ जाएं। इसीलिए योग किया जाता है लेकिन आप जब कोई बहुत बड़ी बायसनेस लेकर हम चलते हैं तो कई बार हम उस संतुलन के सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं और ना उसे कर पाते हैं और भगवान अर्जुन को भी कहीं ना कहीं यही विषय समझाने में लगे हैं कि भाई तू अपना संतुलन बिगाड़ेगा युद्ध का भी संतुलन बिगाड़ेगा समाज का भी संतुलन बिगाड़ेगा यह तेरे लिए किसी भी दृष्टिकोण से भगवान हर दृष्टिकोण से समझा रहे हैं सबसे ज्यादा वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं लेकिन व्यवहारिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी अर्जुन को समझाया समझाया है भगवान ने दूसरे अध्याय में तो यही सब कुछ करना है और यही योग है और हमें योग मार्ग पर इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए जीवन का कल्याण करना चाहिए चलिए इसी के साथ जो है हमें आगे बढ़ेंगे और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वो निश्चय ही 20 जनवरी से ध्यान योग का कोर्स होगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप उसका लाभ उठा सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 जनवरी से ही शुरू होगा उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं ठीक है तो पहले ही मैंने आपको सूचना दे दी है इस विषय में फिलॉसफी का कोर्स ग्यारह जनवरी से शुरू हो रहा है ऑनली इन रुपीज नाइन हंड्रेड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको समझ सकते हैं अब फिलासफी से क्या हो जाएगा भाई फिलोसफी में क्या आप योगा करवाएंगे क्या बीमारी दूर हो जाएगी नहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी विचारों से समझ पैदा होगी और आपको पूरे विश्व में कैसी विचारधाराएं चली हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो ये वर्ल्ड फिलासफी पे कोर्स है मात्र इंडियन फिलोसफी नहीं है वेस्टर्न फिलोसफी भी इसमें चलता है ठीक है तो फिलॉसफी का कोर्स आप कर सकते हैं ध्यान योग का यह कोर्स है सब में थोड़ा शुल्क जरूर है यह शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे जो समाज में आजकल योग के नाम पर चल रहा है या जो भी चल रहा है उसे कंपेरिजन में यह शुल्क कुछ भी नहीं है जो भी इसका शुल्क है दक्षिणा है आप ये समझिए तो कुछ भी नहीं है यह ध्यान योग का कोर्स फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और अगर किसी प्रकार का कई लोग अपने जीवन को समझना चाहते हैं ग्रहों के माध्यम से उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इस विषय में भी आप समझ सकते हैं जान सकते हैं और समझेंगे आप थोड़ा बहुत क्या मतलब आप करेंगे संपर्क और जानने की कोशिश करेंगे तो इसका भी एक शुल्क होता है तो आप समझ सकते हैं और इसको भी इसका भी लाभ आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं लेकिन एक बात में साथ में एक सूत्र भी आपको दे देता हूं आज योग जो है वह संतुलन का विज्ञान है सारी समस्याओं का समाधान हमें अगर हमारे अंदर सही समझ पैदा हो गई योग के प्रति कि योग क्या है कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं योगी बन ब्रह्मचारी मत बन तुझे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है तू योगी बन तस्माद योगी भवार्जुना तो क्या साधु बन जाना या फिर योगी बन जाना और अर्जुन का योगी बन जाना और योगी बनकर तू युद्ध भी कर योगी बनकर युद्ध कर योग की योग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर, कर तू युद्ध कर तो वास्तव में योग भी एक अंडरस्टैंडिंग है योग कोई स्पेशल क्रिया नहीं है ये भी समझिएगा योग भी एक समझ है जब वो समझ अच्छे से विकसित हो जाती है तो हम अपने जीवन को उस धूरी पर या उस समझ पर हम अपने जीवन को मेंटेन करना शुरू करते हैं मुझे लग रहा है कि आप निश्चय ही जो मैं बताना चाह रहा हूं थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे और समझने की आवश्यकता है समझना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है तो हमारा जीवन और बेहतर बनेगा तो ये सारे कोर्सेज जो हैं फॉर बेटर लाइफ है फॉर बेटर लाइफ है कि हम अपने लाइफ को बेहतर बनाएं जीवन को अच्छा बनाएं क्योंकि जीवन को संतुलित बनाना अच्छा बनाना ये पहली चीज है उसके बाद मोक्ष है उसके बाद समाधि है उसके बाद परमानंद है वो मिलेगा ही मिलेगा अगर हम योग मार्ग से सही से आगे बढ़ रहे हैं तो तो चलिए तस्माद योगी भवा्जुना कृष्ण सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे हम सबको कह रहे हैं कि तस्माद योगी भवारजुना सब योगी बन जाओ आप सभी योगी बन जाओ ये कृष्ण सबको ही उपदेश दे रहे हैं सिर्फ अर्जुन को नहीं दे रहे हैं तो हमें यह बात समझने की आवश्यकता है और योग की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं नाइन पी लाइव चर्चा पर लेकिन आपके कमेंट्स बहुत सारे हैं मैंने पूरे कमेंट्स आपके नहीं देखे हैं और शायद ना पढ़ पाऊं सबके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाऊं शिखर शर्मा जी राजूपाल जी नरसाराम जी संतोष कुमार जी अमन कक्कर जी शंकर प्रसाद जी बलवंत सिंह गोहिल जी सविता नायक जी विमला शाह जी, पवन कुमार गुप्ता जी, विष्णु चंद्र मौर्या जी गोविंद प्रसाद नीमा जी, नवजोत नाथ जी, नरपत प्रजापति जी परमात्मा ईश्वर प्रकृति द्वारा हम जीवन रूपी सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हमारी माता के कर्म में डायरेक्ट भेजते हैं या उनके रूप ब्रह्मा जी आपके कर्मों से होता है आपका किस गर्भ में आपका जन्म हो रहा है इसके पीछे आपके पिछले कर्म है कर्म सिद्धांत यहां पे काम करेगा ब्रह्मा जी अपनी मर्जी से नहीं कर देंगे कि चलो इसका हमें मन कर रहा है इसको यहां भेज देते हैं या उसको वहां भेज देते नहीं ब्रह्मा आपने उस सिद्धांत का उस शक्ति का एक दैवीकरण किया है दैवीकरण मतलब कि हमने उसको देवता माना है उस शक्ति को जिससे कि सृष्टि हो रही है समझिए बस इतनी सी बात है लेकिन जो घटना घट रही है आपका जन्म किसी व्यक्ति बालक का जन्म किसी के माता के गर्भ में हो रहा है तो वह क्या है वह उसके कर्म के अनुकूल हो रहा है उसके कर्म वहां भेज रहे हैं नहीं तो उसका मोक्ष हो जाता ठीक है उसके कर्म वहां पर उसको भेज रहे हैं यह समझने की जरूरत है इसलिए क्यों फाइनली भगवान कृष्ण क्यों सारी चीजें प्रकृति को दे देते हैं तो अब इसका मतलब क्या ब्रह्मलोक ब्रह्मा का काम कुछ भी नहीं है विष्णु स्वतंत्र कार्य किसी का नहीं है और जो जिसको कोई स्वतंत्रता दिखाई भी दे रही है तो वह प्रकृति के कारण ही दिखाई दे रही है वास्तव में प्रकृति ही अपने गुणों में ऐसा मिश्रण करती है कि हमें लगता है कि शायद कुछ स्वतंत्रता है अब मैं ये कहूं कि भाई मैं ये लाइव चर्चा नौ बजे करता हूं मैं इसके लिए स्वतंत्र ही तो हूं मैं कर सकता हूं नौ बजे भी कर सकता हूं आजकल ग्यारह ए एम पर भी वीडियो अपलोड होती है वो होती रहेगी अभी आगे ऐसी श्रृंखला चलेगी तो वो भी मैं कर सकता हूं तो मेरी स्वतंत्रता नहीं हूं कहीं ना कहीं प्रकृति ही मुझसे सारे काम ले रही है और आपसे भी ले रही है उसी तरह से ना ब्रह्मा स्वतंत्र हो सकते हैं इस कार्य में उनकी भी कोई निजी स्वतंत्रता नहीं है करने के लिए वह भी प्रकृति द्वारा बाध्य है तो जीव के अपने कर्म कैसे हैं कर्म के अनुसार ये सही उत्तर होगा समझ गए फिर उस कर्म के अनुसार बीच में ब्रह्मा जी की शक्ति ने काम किया वो एक अलग बात है इसलिए योग मार्ग में योगशास्त्र में सांख्य शास्त्र में, में कहा चर्चा की जा रही है कि ब्रह्मा कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे नहीं प्रकृति के तीन गुण हैं और वही सारी चीजें कर रही हैं तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तीन गुण रूप माना जाता है ब्रह्मा जी को रजोगुण से देखा है कुछ लोगों ने भगवान विष्णु को तमोग सतोगुण से देखा है और शिव जी को तमोगुण से देखा है मेरी मान्यता नहीं है मैं कोई ऐसा फिक्स नहीं करता हूं कि शिव जी तमोगुनी है और विष्णु जी सतोगुनी है ब्रह्मा जी मैं ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं करता हूं सबके अंदर तीनों गुण होते हैं लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये तीनों भी तीन गुण का ही प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो कुल मिलाकर बात कहाँ पे आ गई फिर वहीं पर आ गए कि तीन गुणों से ही सारी सृष्टि हो रही है और किसी का जन्म हो रहा है तो अपने कर्म से हो रहा है अपने संस्कार से हो रहा है तो विनोद के कुमार सूजी माधुरी कोल्हे जी कमलेश खैरनर जी रतन सिंह जी रामनिवास मीना जी अबनी प्रधान जी एके त्यागी जी योगेंद्र पंडित जी दीपक गोयल जी नूतन भट्ट जी राम विलास जी श्वेता राय सिन्हा जी बीखू कुचाड़िया जी प्रथमेश जी पंकज सोनी जी जितेंद्र साहू किशोर वैद्य काशीनाथ जी प्रणव की साउंड निरंतर सुनाई पड़ती है एवं विशुद्धि अंजना एवं सहस्रार चक्र में क्लॉकवाइज मूवमेंट की अनुभूति होती है जी हाँ होती है ऐसी अनुभूति सही कह रहे हैं आप ध्यान योग आपने कोर्स कर लिया है जो लोग ध्यान योग के मार्ग पर सही से साधना करेंगे ऐसी अनुभूतियाँ आएंगी कि प्रणव की आवाज बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती है और अंजना चक्र में अज्ञा चक्र में जो है सहस्रार चक्र में हाँ ये जो क्लॉक वाली अनुभूति जो बता रहे हैं ये सहस्रार चक्र में होता है ठीक ना ये सहस्रार चक्र में होता है ऐसा अनुभव हो रहा है बहुत अच्छी बात है योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए देवरतन बलदावा जी चारूमति मुकेश कुमार उषा श्रीवास्तव जी यादव लव जी राकेश मराठे जी धन्यवाद भारत घनश्याम सरोदे अर्जन भाई चौहान धन्यवाद भारत ध्यान योग में साधना में मेरा दोनों पैर दोनों हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं साथ में शरीर कांपने लगता है ऐसा क्यों होता है तो आपने कहां से साधना सीखी या कैसे कर रहे हैं आप बताएंगे व्यक्तिगत रूप से ये प्रश्न करेंगे तो क्योंकि मैं आपने ध्यान योग का कोर्स किया हाँ पीछे वो काशीनाथ जी ने लिखा तो मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से तो मैंने बता दिया कि भाई ध्यान योग का कोर्स आपने किया है लेकिन आप कैसी साधना में रहते हैं कैसा अभ्यास करते हैं वो आप बताएंगे तो कुछ बताया जाएगा नहीं तो बेहतर है कि आप ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए मंगल बैरागी तो स्थापत्य वेद की व्याख्या आपके मुख कमल से सुनने की प्रबल मैंने स्थापत्य वेद का बहुत अध्ययन नहीं किया है हाँ बस इतना जानता हूँ कि जब वह वेद है और वेद कैसे बना है तो यह आप बेहतर तरीके से जानते होंगे तो जब वह वेद है तो फिर उसमें भी संतुलन का विज्ञान तो काम करेगा ही करेगा योग का विज्ञान तो काम करेगा ही करेगा लेकिन स्थापत्य वेद या स्थापत्य कला मैं इसका ज्ञाता होने का कोई दावा नहीं करता हूँ और आपकी सुनने की इच्छा है तो आप जरूर कोई दूसरा व्यक्ति जिसका इसका क्योंकि सुनने के लिए मेरे बोलने मात्र से नहीं हो जाएगा मेरे बोलने मात्र से नहीं हो जाएगा यह चीज जो इस पर अनुसंधान करते हैं और जो उनके सूत्रों के ज्ञाता हैं आप उनकी खोज कीजिए वो लोग आपको उसका ज्ञान देंगे उसके बारे में बताएंगे हाँ जीवन का स्थापत्य समझना है जीवन का स्थापत्य समझना है लाइफ को कैसे बैलेंस करना है यह समझना है तो आप मुझे सुनिए बताइए मैं बताऊंगा ठीक है ये चीज है क्योंकि तो मैं उसी विषय पर कार्य कर रहा हूं तो तराली बरुआ जी और आप इससे मुझे लगता है कि मंगल जी आप इस चैनल को नहीं सुनते हैं अगर सुन रहे होते तो आप ऐसा प्रश्न नहीं करते कि स्थापत्य वेद की व्याख्या और आपके मुख कमल से सुनने की प्रबल इच्छा है क्षमा कर दो प्रभु आपकी इच्छा नहीं पूरी कर पाएंगे ठीक है तराली बरुआ जी जय मातृभूमि सत्व नरूपा सर्वशा श्रद्धा भवती भारत ठीक है बहुत अभिनंदन है राहुल बरुआ राहुल बरुआ जी का बहुत अभिनंदन है चलो नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड लिमिटिंग ऑफ डिजायर इज मास्टर राजू प्रसाद जी राजेश भाई मकवाना कराली जी रिश्त इंक्वायरी सर जी अगर ध्यान योग से मुक्ति नहीं मिला तो मनुष्य जीवन मिलेगा ना ये श्रीमद भगवद गीता में इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने दे दिया है राम विलास जी श्रीमद भगवद गीता के छठे अध्याय में आप खुद जाकर पढ़ लीजिए नहीं तो ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है आ जाएगा उसमें हम चर्चा कर देंगे इस विषय योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता संसार का सब कुछ छूटेगा लेकिन योग नहीं छूटेगा जो आप योग कर रहे हो थीक? चलिए आशा रानी जी बबीता धीमान जी नरपत जी सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति परमात्मा करते हैं या प्रकृति करती है परमात्मा का चेतन संयोग होता है प्रकृति करती है यह बात आपको कई बार बताया जा चुका है नरपत प्रजापत जी कई बार आपको यह बात बताया जा चुका है एक बार नहीं कई बार ठीक है परमात्मा का चेतन संयोग मात्र है बाकी सारी क्रिया प्रकृति की इसलिए भगवान कहते कि सब कुछ प्रकृति करती है नवम अध्याय में और उसके पहले भी कि सारी सृष्टि की रचना मेरी अध्यक्षता में अधिष्ठाता रूप में पुरुष विद्यमान है प्रकृति सारी क्रियाओं को करती है सब कुछ करती क्रियाशीलता प्रकृति का गुण है ठीक है क्रियाशीलता प्रकृति का गुण है वो सब कुछ निर्माण करती है वही खत्म करती है वही बनाती है सारा उसी का खेल है एक बार नहीं कई बार चर्चा हो चुका है इस विषय पर अगर ये प्रश्न दोबारा आपकी आईडी से पूछा गया तो फिर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए जो है इस बात को समझ लें या तो आप जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसको स्वीकार करो नहीं तो ध्यान योग करो अपनी अपने ध्यान योग से सारी चीजों को जान लो नहीं तो कहीं अगर मेरे उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही है तो भैया किसी बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान को पकड़ो जो आपके उत्तर को आपको संतुष्ट कर दे ठीक है सुभाष जी तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को हम आज के कार्यक्रम को यहां विराम देंगे प्रकृति को माया कहते हैं जी हां माया ही करती है ठीक है रामविलास जी मैं अपनी साधना को निरंतर करना चाहता हूं जब तक मुक्ति मिल ना जाए बहुत अच्छी बात है करते रहिए करते रहिए इसलिए मैंने आपको कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने इसी प्रश्न पे उत्तर दिया है जो आपने पूछा है तो ये चल रहा है उत्तर आएगा और योग मार्ग कभी खंडित नहीं होता कभी वो खत्म नहीं होता योग हमेशा बना रहता है जो भी आप करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है योग मार्ग में तो इसलिए हाँ योग का उद्देश्य समझते हुए करोगे तब तो बाहर से दिखने में योग है उद्देश्य कुछ और है तो फिर नहीं योग का उद्देश्य समझते हुए करोगे तो निश्चय ही वो योग कभी नष्ट नहीं होता संसार में सब कुछ नष्ट होगा रिश्ते नाते धन वैभव लेकिन योग का नाश नहीं होने वाला ये भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया ये बहुत अच्छा विषय मैं अभी नहीं बोलना चाहता शॉर्टकट में जब हम इस विषय पर आएंगे तो इसकी पूरी व्याख्या करेंगे कि क्या इस विषय में भगवान ने कहा है ठीक है ये चीज चलिए ठीक है इसी के साथ हम विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 पीएम